बड़ी खबर है बलौदा बाजार से, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल है, 2 लोगों को रायपुर रेफर किया जा सकता है। ये सभी खेत में काम करने गए थे, कोतवाली थाने के मोहतरा गांव की यह घटना है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही बलौदा बाजार से, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, 2 लोगों को जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको रायपुर रेफर किया जा सकता है। ये बताया जा रहा है कि सभी जो लोग हैं वो खेत में काम करने गए हुए थे, इसी दौरान मौसम ने करवट बदली, तेज बारिश हुई और आकाशीय बिजली की ये सभी चपेट में आ गए, 7 लोगों की मौत हो गई है, मोहतरा गांव की ये पूरी घटना है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई बलौदा बाजार से, तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जो 2 गंभीर रूप से घायल हैं उनको रायपुर रेफर किया जा सकता है उपचार के लिए। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां खेत में काम करने गए लोगों पर आकाशीय बिजली गिर गई और इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग घायल हुए हैं जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। चलिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील साहू इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सुनील, एक बड़ी घटना यहां पर हुई, आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, क्या अपडेट इस पूरी खबर पर आपके पास? श्रवण, देखिए बीते 2 दिनों से मौसम का मिजाज लगातार बदलते नजर आ रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले चेतावनी दी थी कि आने वाले 2 दिनों के अंदर बेहद तेज बारिश होगी, तेज तूफान चलेंगे और आकाशीय बिजली का प्रकोप रहेगा। लेकिन चूंकि आज जिस तरीके से दोपहर में ये घटना हुई है, दोपहर में जो मजदूर है खेत में काम करने गए थे, पूरी घटना कोतवाली थाने के मोहतरा गांव की बताई जा रही है। जब अचानक से तेज बारिश हुई और आकाशीय बिजली जब वहां पर गिरनी शुरू हुई, तब जाके जो आसपास के जो खेत में जो लोग काम कर रहे थे, पेड़ का सहारा लिया और उसी पेड़ के नीचे एक आकाशीय बिजली गिर गई, जिसकी चपेट में आने से 7 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 4 लोग इस पूरे वाकये में घायल हुए हैं, 2 गंभीर रूप से घायल हैं और 2 अभी फिलहाल चिकित्सा की स्थिति में है। निश्चित तौर पर एक बड़ा घटना बलौदा बाजार में हुआ है और घटना के तुरंत बाद जिला प्रशासन की टीम वहां पर पहुंचकर जो मृतक है उनकी जो डेड बॉडी उनको बरामद कर ली है और जो 4 लोग जो घायल है उनकी अभी इलाज जिला अस्पताल में जारी है। मौके पर कलेक्टर एसडीएम की टीम भी लगातार लोगों से जायजा ले रही है। मोहतरा गांव के करीब 100 से ज्यादा लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर एक दर्दनाक घटना बलौदा बाजार में फिर से एक बार घटी। सुनील, जिनकी मौत हुई है और जो घायल है उनके बारे में क्या जानकारी मिल पाए? देखिए, अभी तक जो प्रथम दृष्टिया जो जानकारी हमारे अब तक सामने जो आई है, वो खेत में काम करने गए हुए थे, क्योंकि खेती का दिन है और ऐसे में जो किसान है अमूमन तौर पर खेत में काम करने जाते हैं और अचानक से खेत काम करने करते वक्त मौसम का बदलाव हुआ, क्योंकि आज दिन में भी बेहद गर्मी थी, दोपहर तक तेज धूप था, अचानक से बारिश हो जाएगी किसी को मालूम नहीं था और तेज बारिश जब शुरू हुई और बारिश से बचने के लिए जब उन्होंने पेड़ का सहारा लिया, इसी बीच आकाशीय बिजली की चपेट में आने से इन 7 की दर्दनाक मौत। सुनील, क्या ये सभी एक ही परिवार के थे, मजदूर हैं, एक ही गांव के रहने वाले हैं, इस बारे में क्या जानकारी? देखिए, अब तक जो जानकारी सामने निकल के आ रही है, ये सब एक ही गांव के रहने वाले हैं, कुछ साउथ समाज से बिलोंग करते हैं, कुछ निसार समाज से, तो ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि मामला अभी सामने आया है, क्योंकि बेहद गमगीन माहौल है, अस्पताल में भी अफर तफरी का माहौल है, तो कोई ठीक तरीके से नहीं बताया जा रहा है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 परिवार के एक साथ लोग हो सकते हैं। चलिए सुनील, आप नजर बना के रखिएगा और इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट हम लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए।